नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर। तो सभी लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए और आज हम लोग बात करेंगे फिर से ब्लड रिलेशन टॉपिक पर, है ना। और आज इसकी जो है कहा जाए क्लास नंबर है 4, पार्ट 4 की बात करेंगे। लास्ट 3 वीडियो में आपने जो है ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप आपने देखे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जो कि ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं आपके। इसके साथ साथ अब हम लोग जो करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपसे कि जो है तीनों टाइप करने के बाद हम लोग जो है इसके मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और मिसलिनियस के लिए भी तो आपको दो दो वीडियो मिलेगी, एक आपको पार्ट 4 और एक आपको पार्ट 5 मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपने पिछली 3 वीडियो कंप्लीटली देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, उसका आप रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ हम अगली वीडियो में, जैसे जो आप कमेंट करोगे, आप जो आपका जो रिव्यू होगा वो हम क्या करेंगे उसके माध्यम से अपनी अगली क्लास में इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। जो भी मतलब आपको लगे सही चीज की ये करना चाहिए तो वो हम करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को, और माँ सरस्वती और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, तो आज तीनों टाइप मिक्स होंगे क्योंकि आप तीनों टाइप पढ़ चुके हैं, तो आप मिसलिनियस करने के लिए तैयार हैं और पार्ट 4 आपके लिए रेडी है क्लास। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, और वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए, तो तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने क्या कहा यहाँ पर कि उसकी बहन की माता मतलब किसकी बहन की, जिस महिला की ओर इशारा कर रहा है कौन, कहे कौन रहा है यहाँ पर, विजय, ठीक है। विजय कह रहा है कि उसकी बहन की माता, उसकी बहन मतलब वो महिला, महिला के लिए हम यहाँ पर माइनस बना लेंगे, ठीक है। तो महिला की बहन है ना, उसकी बहन की माता। अच्छा, उसकी बहन की माता तो मतलब उस महिला की भी माता हो जाएगी, ठीक। ये वो महिला है जिसकी बात हो रही है, जिसकी ओर विजय ने इशारा किया है, ठीक है। उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री है। अच्छा बताइए, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब मेरी बहन, मेरे पिता की पुत्री मतलब क्या हुआ, मेरी बहन। तो ऐसा विजय ने कहा कि मेरे पिता की पुत्री मतलब ये विजय की क्या हो गई, विजय की ये बहन हो गई, विजय के पिता की क्या है ये पुत्री, है ना। विजय के पिता की पुत्री यानी विजय की बहन है, तो वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला जो है विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान देंगे इस महिला की माता जो है वो विजय की सिस्टर है। तो कहीं ना कहीं फिर महिला के भाई, इसे कहा जाए महिला की माता का भाई है विजय, तो महिला की माता का भाई मतलब महिला का क्या है, मामा, उस महिला का ये विजय क्या है, मामा है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर ये इसका मामा है तो ये महिला इसकी क्या होगी, भांजी होगी, और भांजी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिस्टर्स, डॉटर कहा जाता है, मतलब बहन की बेटी, है ना, विजय के बहन की बेटी है ये। आई बात समझ में, वो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो विजय के बहन की बेटी है। नेक्स्ट चलिए, तो अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है इसमें कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा। अब देखिए, तरुण ने कहा यहां पर जो इस पॉइंट को बोल रहा है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन है, तरुण है, ठीक है। तो तरुण ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है, वह मेरे पति, पति मतलब कि तरुण के पति, तो तरुण एक लड़की है जिसके पति, ठीक है, मेरे पति के ससुर। अच्छा, पति के ससुर कौन, तो पति के ससुर मतलब तरुण के पिताजी, है ना, पति के ससुर कौन होंगे, तरुण के पिताजी, क्योंकि भाई पति मतलब क्या, पति ये है, अब इसकी पत्नी के पिताजी तो इसके ससुर होंगे, है कि नहीं। तो तरुण ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर यानी कि तरुण के पिता, वो मेरे पति के ससुर की माँ है, तो ससुर की माताजी है ना। थोड़ा अलग से बना देते हैं इसको, थोड़ा नीचे बनाते हैं, रुके रहिए, ठीक है। तरुण, सॉरी, फीमेल है ना, तरुण, तरुण के पति के ससुर की माताजी हैं, यानी तरुण की दादी जी, ठीक है। तो तरुण का उस महिला से क्या संबंध है, तो ये महिला कौन है, तो तरुण की क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। भाई तरुण के पति के ससुर की माँ है, मतलब तरुण की क्या हो जाएंगी, दादी जी, तो दादी जी, तो तरुण उनकी क्या हो जाएंगी, तरुण उनकी क्या हो जाएंगी, पोती हो जाएंगी। ये दादी हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी पोती हो जाएंगी, और पोती को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात सभी को यहाँ पे, ठीक है। तो
तो एक एक पॉइंट को आराम से समझना है डिटेल में, उसके बाद फिर जो है आगे करना है। अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बाद में फिर आप सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर हम आपको सॉल्यूशन कराते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, आप अपना जो है चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है। अब देखिए फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, तो रोहन यहां पर क्या कह रहा है, रोहन ने कहा उसकी पुत्री का भाई। देखिए रोहन ने कहा उसकी पुत्री, उसकी पुत्री मतलब जिस आदमी की बात कर रहा है उसकी पुत्री, तो रोहन ने कहा उसकी पुत्री मतलब उस आदमी की पुत्री, ठीक है। ये वो आदमी है जिसपे जिसकी ओर इशारा किया रोहन ने, उसकी पुत्री का भाई, उसकी पुत्री का भाई, मेरी माता के पुत्र का भाई है, मेरी माता के पुत्र का भाई है। तो इसकी जो पुत्री का भाई है वो किसका भाई है, तो वो मेरी माता के पुत्र का भाई है। तो मेरी माता मतलब ये किसकी माता हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रोहन की माता। कैसे समझिएगा, देखिए क्या बोला रोहन ने, रोहन ने कहा कि एक आदमी की ओर इशारा का मतलब इशारा करते हुए कहा कि उसकी पुत्री, उस आदमी की पुत्री का जो भाई है वह मेरी माता, रोहन की माता के पुत्र का क्या है, भाई है। उसकी बेटी का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई। अच्छा मेरी माता का पुत्र तो मैं भी हो सकता हूं, रोहन खुद भी हो सकता है, ये रोहन खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये रोहन का भाई ही हो, ये रोहन यहां पर खुद भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर रोहन का कोई प्रॉपर भाई नहीं बताया गया है, तो ये व्यक्ति रोहन भी हो सकता है, ठीक है। भाई मेरी माता का पुत्र कौन है, मतलब मैं खुद, तो रोहन अपनी बात भी कर सकता है, तो मेरी माता का पुत्र यानी रोहन खुद और उसका क्या है, ये भाई है। तो वह व्यक्ति मतलब जो आदमी है रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो यह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिए। अब देखिए मोहन जो इस आदमी के बच्चे हैं वो रोहन के क्या है, भाई बहन, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो आदमी के बच्चे अगर रोहन के भाई बहन है तो ये आदमी रोहन का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन इसका क्या हो जाएगा, पुत्र। तो रोहन के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएंगे, पिता, क्योंकि भाई इनके बच्चे वही रोहन के भाई बहन, तो सेम वही चीज क्या हो जाएगा, रोहन के पिताजी, ठीक है। चलिए अच्छा जो क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट करके फिर देखिएगा तब समझ में आएगा, है ना, कैसे समझाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बेटा लिख दिया है, इसका बेटा होना चाहिए यहाँ पर। ये बेटा होगा यहाँ पर। बोला एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का बेटा, हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का बेटा। तो हर्ष की पत्नी यानी हर्ष की पत्नी का बेटा, तो हर्ष की पत्नी का बेटा मतलब हर्ष का बेटा हुआ। मेरी पत्नी का बेटा उसकी माँ की बेटी का पिता है, उसकी मतलब किसकी, उस महिला की जिस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माता की बेटी का पिता है, मतलब ये किसका पिता है, ये किसका पिता है, उसकी माता की बेटी का, तो उसकी माता की बेटी का पिता है, उसकी माता की बेटी का पिता है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, सवाल बढ़िया बढ़िया है यहाँ पर। देखिए मेरी पत्नी का बेटा, हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का जो बेटा है वो पिता है, किसका पिता है, उसकी माता की बेटी का, उसकी माता की बेटी। अच्छा उसकी माता की बेटी वो औरत खुद होगी, वो महिला खुद हो जाएगी, भाई उस महिला की माता की बेटी का पिता। मेरी पत्नी का बेटा उसकी माता की बेटी का पिता है, मतलब वो कहीं ना कहीं उस महिला का ही क्या है, पिता, ठीक है। तो बोला है कि ये जो महिला है ये हर्ष से किस प्रकार संबंधित है, देखो तो हर्ष के बेटे की बेटी है, तो मतलब हर्ष की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, और पोती को क्या बोलते हैं, सन्स डॉटर, है ना, सन्स डॉटर बोल दीजिए चाहे ग्रैंड डॉटर बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके इसको भी सॉल्व कीजिए। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा,
जैसे देखिए मंच पर कोई एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए नूर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देंगे यहां पर। नूर ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की, वह मेरे पिता मतलब किसके, नूर के पिता, तो वह मेरे पिता की पत्नी। अच्छा पिता की पत्नी मतलब नूर की माता जी, ठीक है, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद। अच्छा दामाद, अब इनका दामाद मतलब नूर की माता का दामाद, दामाद कौन होता है, दामाद होता है बेटी का पति, दामाद होता है बेटी का पति मतलब नूर के बहन का पति, ठीक, दामाद कौन, नूर की बहन का पति, क्योंकि वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद, के दामाद की पत्नी है। अच्छा दामाद की पत्नी मतलब नूर की सिस्टर है ना, नूर की क्या हो जाएगी, सिस्टर। तो महिला का नूर से क्या संबंध है, अब ये महिला वही है दामाद की पत्नी बोले तो नूर की सिस्टर, तो महिला का नूर से क्या संबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, सिस्टर। क्लियर है बात सभी को, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये सवाल आया आपका जो टाइप थ्री वाला सवाल है, इसमें देखिए दिया है, हर एक सिंबल का अपना अपना मतलब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग क्या नोटिस करते हैं, मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, तो दिया है यहाँ पे तो एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हमें सिर्फ एफ से पी तक जाना है, तो मतलब ना हमें इधर एल और एम को देखना है, ना तो हमें आगे एन को देखना है, ठीक है, तो एफ से पी तक जाना है, एफ और पी का ही संबंध चेक करना है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले दिया है एफ हैशटैग क्यू, तो हैशटैग का मतलब क्या है, ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो एफ हैशटैग क्यू का मतलब है एफ जो है वो क्यू का क्या है, भाई। फिर लिखा है क्यू एंड पी, तो ए एंड बी का मतलब है ए बी का पति है, तो क्यू एंड पी यानी क्यू पी का क्या हो जाएगा, पति, तो पी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक, बस इतना ही चाहिए। तो पूछा क्या, तो एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एफ जो है वो पी का क्या लगेगा, तो देखो तो पी के पति का भाई है, तो पति का भाई क्या होता है, देवर होता है वैसे, और देवर यहां है नहीं, बट दिया क्या है पति का भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर सात, ध्यान देंगे यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है, इसमें पूछा है तो H का M से किस प्रकार संबंध है ना, H का M से पूछ रहा है, तो हमें H से कहां तक जाना है, M तक जाना है, तो हम सीधे H को उठाते हैं। सबसे पहले दिया है H हैशटैग B, तो A हैशटैग B का मतलब क्या है, A B की पत्नी है, तो H हैशटैग B यानी H जो है वो B की क्या है, पत्नी है ना, H जो है क्या है वो B की पत्नी है, तो B इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। फिर दिया है B एट द रेट Z, तो एट ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का पिता है, तो बी एट द रेट जेड यानी बी जेड का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है जेड परसेंट एम, तो ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की बहन, तो जेड परसेंट एम यानी कि जेड एम की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। तो एच का एम से क्या संबंध है, एच एम का क्या लगेगा या लगेगी, तो एच एम की क्या लगेगी, तो देखिए तो एम और जेड आपस में भाई बहन वाला संबंध है, ये पिताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं, और पिताजी की पत्नी क्या होंगी, माताजी, यानी एच एम की क्या होंगी, माँ होंगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ पर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आठ फिर से आपका यहाँ पर पूछा क्या है, डी और एम के बीच में क्या संबंध है, तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो डी से हमें कहां तक जाना है, एम तक जाना है ना, डी से हमें कहां तक जाना है, एम तक जाना है। सबसे पहले क्या दिया है, डी हैशटैग जी, तो ए हैशटैग बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो डी हैशटैग जी यानी डी जी का क्या हो जाएगा, भाई। फिर दिया है जी एट द रेट बी, तो ए एट द रेट बी मतलब ए बी की बेटी है, तो जी एट द रेट बी यानी जी बी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर बी एंड एम, तो ए एंड एंड नहीं दिया है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक में लग रहा है, परसेंट तो दो बार आ गया है यहां पर, एंड का जो है मतलब,
एक काम करते हैं, दोनों में से कोई एक चेक कर लेते हैं, पति या पत्नी वाला, जिस पर सेटिस्फाई करेगा वही वाला सही होगा, उसको चेंज कर लिया जाएगा। तो बी एंड एम, तो मान लेते हैं यहां पर एंड रहा होगा तो उसके हिसाब से पति होगा, तो बी एम का क्या हो जाएगा, पति। तो बी अगर एम का पति हो जाएगा तो एम उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी का एम से क्या संबंध है। तो देखिए डी का एम से क्या संबंध होगा, तो एम और बी पति पत्नी है और ये इनकी बेटी है और ये बेटी का भाई, बेटी का भाई मतलब बेटा, तो हिसाब से तो बेटा हो जाएगा। वैसे इसी को बना लेते हैं, ठीक है, यही आपका एंड बन जाएगा, है ना, सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। अब देखिए सवाल में थोड़ा लैंग्वेज चेंज है ना, सवाल में लैंग्वेज चेंज दिख रही है आपको। जैसे दिया क्या है इसमें, इस बार पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत लिखा है। ठीक है, गलत वाला चेक करना हम लोग को। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सी मल्टीप्लाई बाई एम। तो देखिए ए मल्टीप्लाई बाई बी मतलब ए बी का पिता है, तो सी मल्टीप्लाई बाई एम यानी सी एम का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, सी एम का पिता है। फिर लिखा है एम डिवाइडेड बाई एस, तो देखिए डिवाइड का मतलब ए डिवाइडेड बाई बी मतलब ए बी की बहन, तो एम डिवाइडेड बाई एस यानी एम एस की क्या हो जाएगी, बहन। नेक्स्ट एस मल्टीप्लाई बाई के, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मतलब ए बी का पिता है, तो एस मल्टीप्लाई बाई के यानी एस के का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, एस के का पिता हो जाएगा। फिर के माइनस टी, अब देखिए माइनस है तो ए माइनस बी मतलब ए बी की माता जी है, तो के माइनस टी यानी के टी की क्या हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी, है ना। फिर टी प्लस क्यू, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई, तो टी प्लस क्यू यानी टी को क्या क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, टी को क्या क्या हो जाएगा, टी जो है क्यू का भाई हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ मिला कुल मिलाकर ये फैमिली ट्री आपका बन के तैयार हुआ। अब सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला कथन ये सही है कि नहीं। तो एम टी के पिता की बहन है, एम जो है वो टी के पिता की बहन, तो टी के पिता तो मतलब एक जनरेशन ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ दो जनरेशन ऊपर एम है, तो ये तो नहीं सही है, देखा जाए तो यही सही नहीं है, तो हमारा तो यही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, एम टी के पिता की बहन है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। देखो तो टी के माता के पिता की बहन मतलब टी के नाना की बहन है, तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, और हमें कौन यही बताना था कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फिर से यहां पर ध्यान देंगे, पूछा क्या है एस एक्स से किस प्रकार संबंधित है ना, एस एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो एस यहां पर है और एक्स लास्ट में है, मतलब सवाल वो पूरा सॉल्व करवाना चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखा है एस हैश टैग पी, तो हैश टैग का मतलब ए हैश टैग बी, ए बी की बेटी है, तो एस हैश टैग पी यानी एस पी की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक, फिर लिखा है पी परसेंट क्यू, तो ए परसेंट बी मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, तो पी परसेंट क्यू यानी पी क्यू का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और क्यू इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर लिखा है क्यू एट द रेट टी, ए एट द रेट बी का मतलब ए बी की बहन, तो क्यू एट द रेट टी यानी क्यू टी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। नेक्स्ट टी एंड वी, तो ए एंड बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो टी एंड वी यानी टी वी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फिर दिया है वी परसेंट एक्स, तो ए परसेंट बी मतलब ए बी का पति है, तो वी परसेंट एक्स यानी वी एक्स का क्या हो जाएगा, पति, तो एक्स इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो एस एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो एस का एक्स से क्या संबंध है, यानी एस जो है वो एक्स की क्या लगेगी। तो देखो तो एक्स और वी पति पत्नी है, और ये एक्स के पति का भाई है टी, और ये पति का भाई यानी कि देवर है ना, और ये पति की बहन, वी की बहन है क्यू, एक्स के पति की बहन मतलब एक्स की नंद है, और नंद के ही ये बेटी है कौन सी, एस, तो एस जो है वो एक्स के नंद की बेटी है, तो नंद की बेटी मतलब पति के बहन की बेटी है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया। देखिए
उस चीज को डायरेक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, क्या लिख दिया है, पति की बहन की बेटी, तो ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। क्लियर होगी आप सभी को लोग इतनी बात, है ना, ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल काफी ये हो गया, चलिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा इधर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक कंडीशन यहाँ सवाल में दी हुई है, यदि ओ अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। अच्छा संतान का मतलब होता है बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है, और संतान मतलब क्या हुआ कि बस हम ही हैं, बाकी ना कोई भाई है ना कोई बहन। तो अभिव्यक्ति के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है, अब यहां ध्यान देना है कौन सा सही है ये बताना है और सॉल्व करना है आपको इसे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है एम हैश टैग एल, हैश टैग का मतलब यहां देखिए, बी हैश टैग डी मतलब बी डी की पत्नी है, तो एम हैश टैग एल यानी एम एल की क्या हो जाएगी, पत्नी, तो एल इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। एल एंड एन, तो एंड का मतलब यहां दिया हुआ है, बी एंड डी मतलब बी डी का भाई है, तो एल एंड एन यानी तो एल एन का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है एन एट द रेट ओ, तो बी एट द रेट डी का मतलब है बी डी की माँ है, तो एन एट द रेट ओ यानी एन ओ की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। फिर ओ डॉलर पी, बी डॉलर डी का अर्थ है बी डी का पुत्र, तो ओ डॉलर पी यानी ओ पी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो देखिए ओ एन का भी पुत्र है और साथ ही साथ ये पी का भी पुत्र हो जाएगा, तो एन इसकी माँ है तो पी इसका पिता हो जाएगा, दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओ जो है वो दोनों का पुत्र है। फिर लिखा है पी प्लस आर, तो प्लस का मतलब देखिए, तो बी प्लस डी मतलब बी डी का ससुर है, तो पी प्लस आर यानी पी आर का क्या हो जाएगा, ससुर। अच्छा आर का ससुर है, तो ससुर है तो मतलब आर इसका दामाद भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है। तो ठीक है, इस पॉइंट को लिखने से पहले एक चीज और लिखा है, यदि ओ अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। अच्छा ओ के माता पिता यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ओ जो है देखिए, ओ जो एन जो है वो ओ की माँ थी, ठीक है। फिर यहां पर देखें तो ओ डॉलर पी का मतलब क्या था कि ओ जो है वो पी का पुत्र है, ओ जो है किसका पुत्र है, पी का, तो पी इसके क्या हो गए थे, पिताजी, और ये दोनों क्या थे, पति पत्नी। अब यहां समझने वाला पॉइंट है, देखिए यदि ओ अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, मतलब ओ के ना कोई भाई है ना कोई बहन, ठीक, बट फिर भी पी जो है वो आर के क्या है, ससुर है। आर के ससुर मतलब आर कौन होगी, उनके बेटे की बेटी, क्योंकि बेटा तो है नहीं, सॉरी बेटी तो है नहीं, तो बेटा ही है, इकलौती संतान यही है, तो इस ये लड़का है तो इसकी क्या होगी, वाइफ, उसी क्या है, ये ससुर, ठीक है। अब देखिए तो पी आर के क्या हो गए, ससुर, क्योंकि आर के पति के पिता हो गए, ठीक है, तो पी आर के क्या है, ससुर है। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी सभी को। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, अब बोला सबसे पहले कि आर जो है वो ओ की पत्नी है, क्या आपको यहां आर ओ की पत्नी दिख रही है, तो यही सही है आपका पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना, आर ओ की पत्नी है, साफ दिख रहा है यहां पर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर, वह मेरे पति के ससुर, ठीक है, गोपाल की इकलौती पुत्री का पुत्र है, प्रीति ने कहा। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर, प्रीति ने कहा मेरे पति, मतलब प्रीति हो गई ये, और इसके पति, पति के ससुर कौन होंगे, प्रीति के पिताजी, ठीक है, पति के ससुर, उनका नाम क्या है, गोपाल, है ना, पति के ससुर यानी प्रीति के पिता कौन है, गोपाल की इकलौती पुत्री, की इकलौती पुत्री यानी खुद प्रीति अपनी बात कर रही है, गोपाल की इकलौती पुत्री यानी प्रीति खुद का पुत्र है, का पुत्र है कौन, वो व्यक्ति जिसकी ओर इशारा किया गया। तो पूछा है तो व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये प्रीति का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुत्र हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है इतनी बात सभी को, यहां पे समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, चलो अगला सवाल। अब एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, देखिए सनी ने क्या कहा कि वह मेरी बहन, वह मेरी बहन मतलब सनी की बहन की माताजी, सनी की बहन की माताजी मतलब सनी की माता हो जाएंगी वो, के पति यानी सनी के पिता का भाई है, का भाई है मतलब सनी के चाचा, पिता के भाई चाचा। अब सनी का चित्र में दिख रहे इस व्यक्ति से क्या संबंध, तो व्यक्ति तो यही थी, उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो भाई अगर ये चाचा है तो सनी इनका क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ सवाल जो है लैंग्वेज पे ही लग गए। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी सभी को यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट चलते हैं। अमित ने कहा कि उसके पिता की मां की इकलौती बहू की बेटी के पिता ने उसे एक उपहार दिया, है ना, उसकी माँ के। अच्छा देखिए सवाल बड़ा बढ़िया है। अमित ने कहा कि उसके माँ की पिता, उसके पिता की माँ, उसके पिता की माँ, अमित के पिता की माँ, तो अमित के पिता की माताजी मतलब अमित की दादी जी की इकलौती बहू। अच्छा दादी की इकलौती बहू मतलब अमित की मां हो जाएंगी की बेटी। अब देखिए अमित के पिता की मां की इकलौती बहू की बेटी यानी कि अमित की सिस्टर हो गई यहां पर, बहू की बेटी के पिता यानी अमित के पिता ने उसे एक उपहार दिया, तो अमित को उपहार किसने दिया? भाई पिताजी ने दिया, फिर ऑप्शन नंबर डी। ना तो यहाँ कोई भाई है, ना कोई चाचा है, ना कोई दादा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा होगा सभी को यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कृष्ण ने बोर्ड गेम खेलते हुए, बोर्ड गेम खेलते समय अपनी दादी की बेटी की इकलौते बेटे के भाई को हरा दिया। चलिए देखते हैं, तो कृष्ण ने बोर्ड गेम खेलते समय कृष्ण ने अपनी दादी, कृष्ण तो पिक्चर देखे ही होंगे आप लोग, ऋतिक रोशन वाली वही वाला कृष्ण, अपनी दादी यानी कृष्ण की दादी यानी रेखा जी, है ना, कृष्ण की दादी वही थी, रेखा जी थी, ऋतिक टू ऋतिक मामला था। अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी कौन होती है भाई? पापा की बहन बोले तो बुआ जी, तो दादी के बेटी के इकलौते भाई, अच्छा दादी की बेटी बोले तो बुआ जी, बुआ जी के इकलौते भाई बोले तो फिर पापा जी हो गए, को हरा दिया कृष्ण ने, हरा दिया अपने पापा को हरा दिया, ये पूछा है। तो पराजित व्यक्ति कृष्ण की माँ से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, पराजित व्यक्ति कृष्ण की माँ से, तो पिताजी हैं तो माताजी के क्या लगेंगे? पति लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए क्लास समझ में आई होगी सभी लोग को, वीडियो अच्छी लगी होगी, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, अगले लास्ट कहा जाए ब्लड रिलेशन का जो है अगला पार्ट, पार्ट फाइव में, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, तो उसकी भी आपको चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज जो है क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।